मिर्च मसाला और मम्मी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे कराची बिस्किट। इसके लिए लिए हैं मैंने 250 ग्राम बटर, 300 ग्राम मैदा, 125 ग्राम शक्कर, कस्टर्ड पाउडर, काजू, इनको मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है, टूटी फ्रूटी, 1 स्पून बेकिंग पाउडर और दूध। चलिए शुरू करते हैं। ये बटर जो है मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया था, इसमें हम शुगर ऐड कर लेंगे। हमें बटर और शुगर को जब तक मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। आप देख सकते हैं ये एक अच्छे क्रीम फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। हम बेकिंग पाउडर मिक्स कर लेंगे, तो अच्छे से छान लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर और मैदा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, इसमें हम टूटी फ्रूट करेंगे, काजू ऐड करेंगे, कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर जो है थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, एक दो चम्मच दूध के ऐड कर लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे। इस बैटर को जो है हम बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मिक्स करेंगे। हमारे कुकीज़ का जो डो है वो रेडी हो चुका है। इसको कुकीज बनाते हैं। कुकीज़ का शेप देना है, उसके लिए मैंने एक ये पॉलीथिन ली है, उसमें इस तरीके से हम डो को रखेंगे। करते जाएंगे तो ये एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा। इसे हम फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। चलिए 2 घंटे हो गए हैं, हम हमारे डो को फ्रिज में से बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं एकदम सख्त हो चुका है, इसको अब हम कट कर लेंगे। इस तरीके से इसको कट कर लेना है। आप देख सकते हैं प्रॉपर शेप में आ चुका है। मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, उस पर मैंने बटर पेपर को रख दिया है। अब इस पर हम कुकीज रखेंगे बेक होने के लिए। माइक्रोवेव प्री हीट हो चुका है, इसमें अब हम कुकीज रखेंगे बेक होने के लिए 10 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पे। आप देख सकते हैं ये बेक हो चुके हैं। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिर्च मसाला और मम्मी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।